ये है आपका सैंड बॉक्स। लोको पायलट जब जाता है तो उसके चेकलिस्ट दिया जाता है, उस चेकलिस्ट में मतलब होता है चेक लिस्ट के हिसाब से सब चीज चेक करो, एमसीबी ठीक है, फ्यूल ठीक है, ये है, तो उसको 25-30 को चीजों को चेक करना पड़ता है। जब भी इंजन ऑफ करेगा ना, तो ऑन करने से पहले उसे क्या फॉलो करना पड़ा, चेकलिस्ट प्रोसीजर। कोई भी बड़े चीज को फॉलो करने पर चेकलिस्ट फॉलो करता है। जहाज का पायलट भी जब चालू करता है ना, ये नहीं कि पहले ब्रेक छोड़ा दे फिर इंजन चालू कर दे, फिर जैसे मोटरसाइकिल कब शीशा साफ कर रहे हैं, इधर मार दिए कीक, फिर देख रहे हैं सोच रहा है स्टैंड अभी लगले है, बपौती नहीं है आपका, उसमें प्रोसीजर है। पहले ये मतलब ये हमेशा उसमें दो गो चीज रहते हैं सर, एक फॉलो करेगा, दूसरा चेक करेगा। एक कहेगा मान के पार्किंग ब्रेक डिसइंगेज, तू कहेगा डिसइंगेज, तू कहेगा डिसइंगेज। अब जहाज की भाषा अलग, फ्लाइट की भाषा अलग, मतलब इसमें ट्रेन के, ट्रेन में तो भोजपुरी बोल देता है आप नहीं देखें, ट्रेन में तो कबो कबो गायबो रहता है सब को वहाँ पे, मालगाड़ी उगड़ा गया ड्राइवर लगा के उसको चल जाता है नाश्ता करने। तो इसमें ना चेकलिस्ट प्रोसीजर होता है, उसी एक प्रोसीजर में होता है सैंड फिलिंग, उसमें बालू भर देता है। और कभी कभी जो ट्रैक होते हैं सब ना, ये चढ़ावन पे होते हैं सब, चढ़ावन पे इसका ग्रेडियंट ऊंचा होता है, किसी शहर से नीचे, जैसे यहाँ से जाइएगा जम्मू कश्मीर में तो ऐसे ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो फिसल मच जाए, जिसे व्हील स्लिप कहते हैं। व्हील स्लिप से ये लोहा कट जाता है, इसलिए जब ये चलेगा व्हील स्लिप तो यहाँ से क्या डाल देता है, बालू दोनों साइड में, हर एक चक्के पे क्या डाल देगा, बालू। ड्राइवर के हाथ में रहता है, डालेगा बालू गिरने लगेगा, बालू गिर जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फिर ये व्हील स्लिप नहीं होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, व्हील स्लिप। तो खुरदुरा बना दीजिएगा, घर्षण हो जाएगा। जैसे आपको मैल छोड़ाना होता है हाँ, तो साबुन लगाएंगे तो बिछला जाएगा, इसलिए देहात में वो झावा ईटा रख ले रहता है, झावा ईटा है, अब मारो करे रगड़ता है सो यहाँ पे, नहीं तो CBSE वाला फाटल मच्छरदानी रख ले रहता है, कहाँ से नोचले रहता है सो, तो फाटल मच्छरदानी लेके ताकि तल को क्या किया जा सके, खुरदुरा गया, और बाद देह रगड़ के क्या करता है सब, मैल छोड़ा देता है, समझ में आ गया कि नहीं, वो क्या करता है घर्षण को बढ़ा देता है। या फिर कभी दीवार पर कोई पेंट है नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए सैंड पेपर, जिसे सरेस कागज कहते हैं, उस कागज पे फेविकोल से बालू सटाया रहता है, और उससे दीवार रगड़, उससे मैल छोड़ेगा गजब। समझ में आ गया कि नहीं, मार रगड़ के होगा मैल छड़ा दे पूरे यहाँ पे। इसका मतलब घर्षण डिपेंड करता है तल की प्रकृति कैसी है, यदि तल चिकना है तो घर्षण कम, और तल खुरदुरा है तो घर्षण ज्यादा। तल कितना बड़ा है कितना छोटा इससे मतलब नहीं है, कितना खुरदुरा है उतना घर्षण ज्यादा, कम खुरदुरा कम घर्षण, ज्यादा खुरदुरा ज्यादा घर्षण, याद रहेगा ना। तो घर्षण किस पर डिपेंड करता है, तल की प्रकृति पर, खुरदुरे वस्तु पे घर्षण, और कम खुरदुरा रहेगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, घर्षण का कम करने का एक और उपाय, घर्षण डिपेंड करता है साइज पे, आकृति पे भी, डिजाइन कैसा है, डिजाइन कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कोई एक पाइप है या एक कोई इस टाइप का लाठी उठी है, सपोज कीजिए, इसको पकड़ के अगर आप लटक जाइए तो बिछला जाएंगे, क्योंकि ये डाउन हो रहा है इस टाइप में, नहीं समझ में आया, इसी को उल्टा कीजिए, बताइए अब गिरेंगे, अब घर्षण ज्यादा लग जाए। तो देखिए चीज वह वही है, इधर कर देंगे तो चोक हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा, इसको पकड़िएगा लटक जाएंगे, रे गिर लो रे, धाए तो चल जाएंगे यहाँ पे, नीचे चल जाएंगे यहाँ पे, और इसको पकड़ के अगर लटकेंगे तो नीचे से भी घर्षण क्या क्या करेगा, लगा देगा। तो घर्षण तल की प्रकृति पे साथ साथ तल की आकृति पर क्या होता है निर्भर कर, तल की आकृति पर भी निर्भर करेगा। घर्षण का रहना जरूरी है, वरना बिना घर्षण हम गति नहीं कर सकते। बर्फ में चलना मुश्किल, घर्षण की कमी, इसलिए बर्फ पर चलने के लिए क्या लगा देता है, कांटा लगा देता है, उसका देखिएगा अलग टाइप का होता है, उसका जूता ही अलग होता है यहाँ पे। हालांकि दौड़ने वाले के लिए भी देखिएगा ना, नीचे कुछ ना कुछ कांटा निकाल देता है स्पाइक, क्रिकेट वाले में देखिएगा ना गोटी गोटी कुछ रहता है, क्यों, घर्षण के कारण। अच्छा घर्षण कम भी करेंगे, अच्छा अगर घर्षण ज्यादा रहेगा तो गति ज्यादा की कम, ज्यादा घर्षण धीरे जाएगा, ज्यादा घर्षण धीरे जाएगा।
हाँ घर्षण कम, हाँ इसलिए क्रिकेट बॉल फेंकने के टाइम देखिएगा ना थूक लगाता है ऐसे यहाँ पे, पहले देखिएगा ना इसे लगा के पॉइंट पर इसे रगड़ता था और उसके बाद से ना उसके बाद क्या करता है फेंकता है ताकि घर्षण क्या हो जाए कम हो जाए, जैसे बॉल टप्पा खाए बहुत तेजी से निकले। अब हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग भी गेंदवा रगड़ते थे, अरे वो कैनवास की गेंद पे काम नहीं करता है, कैनवास की गेंद के ऊपर बाहर कपड़े का रबड़ लगा हो कपड़ा उस पे काम ही नहीं करे, वो ड्यूज के बॉल पे काम करता है जो एकदम चिकना होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ड्यूज के बॉल से इनको ये को थुथुर पे लग गया ना ऑपरेशन होगा डॉक्टर के पास, हड्डी वाले के पास, बहुत भारी होता है वहां पे, मर जाएगा आदमी अगर तेज ठीक ठाक लग गया तो यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये कर रहा है, हाँ सर हम खेले हैं प्लास्टिक कर रहा था वो हर एक माल 10 रुपया वाला बैटवा नहीं है ललका गेंदवा पियर का बैट ये वो वाला समझ रहा है गधा कहीं का ठीक है इसको स्कूटी से मारी थी रोक के स्पेशल होकर मारी थी सही की थी लग रहा है हम अते कौन सी कर रहा था स्कूटिया के सामने स्कूटी देख रहा था आगे बढ़ जाए घर्षण से सवाल आके बता देंगे। घर्षण ज्यादा कम ये लगाते हैं हम लोग क्या चीज पंखे में ग्रीस वगैरह लगा देते, वो डिपेंड करता है कि जरूरत कैसा, आप पंखा में तेल भरिएगा पता चले खोपड़िए पे टपकने लगेगा, वो डिपेंड करता है कहाँ जैसा जरूरत है वहां उस तरह का काम करना है। घर्षण समझ में आ गया, घर्षण के प्रकार समझते बोलो। हाँ 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 किधर की ओर, उसी के लिए होता है चकवे में ना, इनका कहना है मिलिट्री के टायर में ना चकवे में जंजीर बांध देता है घर्षण बढ़ाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री के ट्रक को कोई पता नहीं है कि आगे का रास्ता कैसा है तो पहले ही बांध देता है, और वो ये बीच सड़क पे नहीं बांधेगा बॉर्डर एरिया में बांधेगा, इधर नहीं नॉर्मल सड़क पे नहीं लद्दाख वद्दाख पे जाएगा ना तो क्या बांध देता है जंजीर, क्योंकि उसको चलने से मतलब है वहां, उसका सारी गाड़ियां 4x4 होती हैं, हम लोग का 4x2 नहीं होती हैं, ऑल व्हील ड्राइव होती हैं सबका टेट्रा ट्रक, वो जब आपको जब वो पढ़ाएंगे ना हीट चैप्टर तो उसमें आपको इंजन पढ़ना है, इंजन में तब पढ़िएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या अंतर है, समझा गया कि नहीं आएगा, लाइनर पिस्टन सीसी क्या होता है कितने सीसी का इंजन है, अब ये सब नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें।